नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं अप्रैल के महीने की कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स रिपोर्ट। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आयशर कंपनी की। इस कंपनी ने अप्रैल के महीने में पूरे भारत के अंदर 1604 यानी 1604 यूनिट्स बेची है। पिछले महीने के मुकाबले इसकी सेल्स 74.22% कम हुई है। अगर आप मार्च की सेल्स जानना चाहते हैं तो मार्च के महीने में इस कंपनी ने 6221 यानी 6221 यूनिट्स बेची थी। अगली कंपनी है अशोक लेलैंड। इस कंपनी की अप्रैल के महीने में पूरे भारत के अंदर 7961 यानी 7961 यूनिट्स बेची गई है। पिछले महीने के मुकाबले इसकी सेल्स 49.49% से कम हुई है। अगर आप मार्च की सेल्स जानना चाहते हैं तो मार्च के महीने में इस कंपनी की 15761 यानी 15761 यूनिट्स बेची गई थी। अगली कंपनी है महिंद्रा। इस कंपनी की अप्रैल के महीने में पूरे भारत के अंदर 14104 यानी 14104 यूनिट्स बेची गई है। पिछले महीने के मुकाबले इसकी सेल्स 17.60% से कम हुई है। अगर आप मार्च की सेल्स जानना चाहते हैं तो मार्च के महीने में इस कंपनी की 17116 यानी 17116 यूनिट्स बेची गई थी। और हमेशा की तरह इस महीने भी फर्स्ट पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स। इस कंपनी की अप्रैल के महीने में पूरे भारत के अंदर 14435 यानी 14435 यूनिट्स बेची गई है। पिछले महीने के मुकाबले इसकी सेल्स 60.94% से कम हुई है। अगर आप मार्च के सेल्स जानना चाहते हैं तो मार्च के महीने में इस कंपनी की 36955 यानी 36955 यूनिट्स बेची गई थी। ये थी अप्रैल के महीने की कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।